अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरी टीम यहाँ पे तैयार त्यूर होके खड़ी है। देखिए मौलवी साहब ने कैसी बास्केट शा... ओए शानू ने नहा लिया आज यार, मैं हैरान हूँ। शानू इसलिए लहाया है कि हम जा रहे हैं मुल्तान शॉपिंग करने और किसकी अपनी करने जा रहे हैं। देखिए आज तो माशाल्लाह से उस्मान भाई का गंज भी चमक रहा है और सारे जाना इस टाइम भाई साहब, इसको तो देखे पहले, ये भी तो चमक रही है। अच्छा अभी जा रहे हैं कहाँ पे भाई जान? हम जा रहे हैं मुल्तान, इस गाड़ी को चलाऊंगा मैं, सबको लेके जाऊंगा और शॉपिंग भी हम खुद करेंगे। वाह जी वाह, मौलवी साहब ने चलाई तो फिर तो हम पहुंच गए, आपको पता है। लेकिन हम जा रहे हैं मुल्तान, हमारे एक टीममेट जो है ना जुहेब भाई मुल्तान में है, उनको वहां से पिक करना है। और मौलवी साहब जो है ना कोई फिल्म शिल्म भी देख लेंगे। मौलवी साहब फिल्म देखने का मूड है आज? हाँ फिल्म देखेंगे, नफरत की निगाहों से। नफरत की निगाहों से इसने फिल्म भी देखनी है, वहां पे शॉपिंग शॉपिंग करेंगे, थोड़े कपड़े शपड़े लेंगे और विलाग में थोड़ा सा माहौल बनाएंगे। चलो जी चलो 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 चलो, मैं मैक्स को हाय बोल दूं। एक सेकंड। ये देखें भाई साहब, जो हमने डॉग मंगवाए थे जर्मन शेफर्ड, और हमने इसका नाम रखा था, मैंने इसका नाम रखा था मैक्स, लेकिन मेरी टीम ने इसका नाम रख दिया मूचन जी। मौलवी साहब बैठ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, पता नहीं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम, जल्दी करो यार, आपकी मैंने ना टिकट कैंसिल कर देनी है आज। अच्छा सॉरी सॉरी, चलें 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 चलें। अल्लाह खैर करे। अब जो है ना मौलवी साहब पीछे बैठ के ड्राइविंग कर रहे हैं यार। एक तो रोड के ऊपर बहुत सारा रश होता है, कोई शू करके चला जाता है, कोई पा करके चला जाता है। वैसे यार मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तानी आवाम को इतनी जल्दी क्या होती है, ऐसे दुड़ा दुड़ा के बाइक के निकाल रहे होते हैं। इवन के फाटक के ऊपर जब ट्रेन गुजर रही होती है ना, फाटक बंद होती है, उस टाइम मैंने देखा है लोग मतलब अपनी जान की बाजी लगा के पटड़ी के ऊपर से बाइक को साइकिल को उठा के मतलब वो कर रहे होते हैं। यार इतनी क्या जल्दी है भाई, रुक जाया करो यार, इस तरह से फिर हादसे होते हैं। इंसान की अपनी फुल कोशिश होनी चाहिए कि मैं किसी हादसे के मुंह में ना हूं, बाकी तो अल्लाह की मर्जी, अगर हादसे में लिखी है तो वो तो जरूर आएगी, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। रोड के ऊपर कोई अनाप्रस्ती भी नहीं दिखानी चाहिए, जिसको भी मौका मिल रहा है साइड पे होने का एक दूसरे को रास्ता दिया करें। क्यों उस्मान भाई? बिल्कुल, ये यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज है, बड़े मेहरबानी, लाजमी नहीं है स्पीड मार के ड्राइवर बन रहे हैं। हमें पता है आपकी वजह से रश होता है, अपनी स्पीड चेक करें भाई साहब। ये बताए ना पहले इसको स्लो करो भाई जान, चोरी पकड़ी की रफ्तार भाई। स्लो ड्राइवर चेंज भाई, ड्राइवर मौली साहब आप आए, मैं आप आ रहा हूँ यहाँ पे। शानू भाई आपको नहा के कैसा लग रहा है आज? मैं जी दो हफ्ते से नहीं नहाया था, आज नहा के बहुत अच्छा लग रहा है। तो तीन हफ्ते बाद फिर नहाऊंगा। तेरी आगे गर्मियाँ शुरू हो रही है भाई जान, इस दो तीन हफ्ते वाली रूटीन को आप एक हफ्ते पे ले आएंगे? नहीं हाँ जी बिल्कुल ले आएंगे। मुंडा कंफ्यूज हो गया है, मुंडा कंफ्यूज। चलो जी चलो, बाकी की गपशप जो है ना आगे मुल्तान पहुंच के करते हैं। हम पहुंच गए थे भाईजान जुहेब भाई के पास, और जुहेब भाई ने बड़ा ही कोई तकल्लुफ कर दिया है, खाना शाना। और मौलवी साहब क्यों पसीने आ रहे हैं यार? खाना तो वीआईपी था, मजा आ गया, देसी खाना वो भी घर का। हाय हाय, ये देखिए आवाम यहाँ पे बकरियों की तरह चर रही है प्रॉपर। शानू स्पेशल डिश बनाई है मैंने। ठीक है जी, शानू खान नहाने के बाद बहुत खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मुसलसल जो है ना इनकी सेहत अच्छी होती जा रही है, नहाने के बाद बहुत खा रहे हैं ये। चलें जी, अल्लाह आपके नसीब में करे। खैर मैं वीडियो अब बना रहा हूँ, खाया मैंने भी। जुहेब भी बैठे हैं, उसकी भी अल्फाज जुहेब भाई अभी खा रहे हैं, अभी इससे गपशप करते हैं ना गाड़ी में। खाते हुए बैग यहाँ से भाई साहब हमने मंगवाया है मिंट मार्गरिटा, ले आए भाई जान ले आए। अच्छा यार ड्रिंक का बादशाह होता है मिंट मार्गरिटा, हमारा फेवरेट। मौलवी साहब आप क्यों नहीं पी रहे यार? मेरे ना गला खराब है नजले की वजह से पिछली। बोल साहब जी जी पिए पिए याशी से पिए, खुल के पिए। नहीं वो गल होंगी ना अगला मजबूरी। ये ज्यादती हो रही है, कोई बात नहीं है, कर ले आप। आपको चाय पिलाएंगे भाई जान। हाँ चाय दूध भाई। आप मिंट मिंट, ये बूढ़े बंदू का काम नहीं है, इससे जो ये हमारे जो बूढ़ा बूढ़ा कोई नहीं हूँ मैं। अच्छा जी कपड़े भी हमने ले लिए हैं, शॉपिंग भी कर ली है, जो जो लेना था। शॉपिंग वाला सीन मैंने इसलिए नहीं दिखाया, मैंने कहा रश इतना है, मैं वीडियो कैसे बनाऊं। फैंस भी काफी सारे आ गए थे, उनको भी टाइम दिया। और मौली साहब
बड़े बत्तीसी निकाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्या चक्कर है यार? शॉपिंग किया बहुत ही बढ़िया किस्म की और अब घर जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ मौलवी साहब ने ये काला सूट भी ले लिया। ब्लैक में ब्लैक मुंडा कैसे नजर आएगा मुझे ये बताओ यार। देखो आ जाएगा नजर, ये तो आंखों देखने वाली आंखें। अगर मौलवी साहब यकीन करें रात को ब्लैक पहन के निकले ना तो हमें नजर ही नहीं आते। ये देखे मेरा सूट दिखा भाई साहब को, दिखा देखे मैंने ये वाला कलर लिया, ये ठीक है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। ये तो सारा सर ज्यादती हुई है, आपने हमें नहीं लेके दिए कपड़े भाई, आपका पूरा शावर भरा पड़ा है पीछे। यार ये नहीं बताना था यार। अब टाइम हो गया है घर जाने का भाई जान, क्योंकि मौलवी साहब की वाइफ फिर उन्हें बहुत मारती है। काल आ चुकी है, तीन काले आ चुकी है यार। ओहो ओहो ओहो, मतलब मौलवी साहब को भाभी मारती है, इसलिए मैंने कल देखा ये कान पकड़ के मुर्गा बन के खड़े हुए। नहीं यार ये तो वैसे कह दिया, कभी कभी घर के बाहर देगचियां आ रही होती हैं, कभी कुछ आ रहा होता है, लेकिन ये ना सिर्फ वीडियो में होता है, सीरियस में नहीं होता। सीरियस में नहीं होता, मैं समझाता हूँ भाईजन, नहीं होता सीरियसली। शादी बहुत, मौलवी साहब खुश है, हम भी खुश है। चलें जी व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और हम अब सुनेंगे सिद्धू मूसेवाला। अब व्लॉग का एंड करते हैं शानू की खूबसूरती के ऊपर। आज मेरा भाई ना आया है ना, थैंक यू वर्सिम इसी। मैंने इसको बोला था व्लॉग का एंड तूने करने, इंग्लिश में बताओ क्या बोलते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग किया, थैंक फॉर मीटिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।